अस्सलामुअलैकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खतीर अहमद की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अरशाद इकबाल ने रेस्क्यू 1122 हरिपुर का दौरा किया और डिप्टी डायरेक्टर ने कंट्रोल रूम स्टाफ रिकॉर्ड स्टेशन ऑपरेशनल गाड़ियों और आलात का मुआयना किया। अहलकारों से मुलाकात की और कहा कि रेस्क्यू 1122 के अहलकार महदूद वसाइल के बावजूद आवाम को खदमात फराहम कर रहे हैं। रेस्क्यू इंतजामिया आवाम के साथ साथ अपने अहलकारों के लिए भी इकदाम उठा रही है और अगर इस जमन में किसी भी किस्म के मसाइल दरपेश आए तो वो हल किए जाएंगे। कहा कि रेस्क्यू अहलकार न सिर्फ आवाम को इमरजेंसी के दौरान सहूलियात फ्राहम कर रही है बल्कि इनके बचाव की तरबियत फ्राहम करने का सिलसिला भी जारी किया जिससे लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। महकमा सोशल वेलफेयर एंड अंजुमन फलाहो बहबूद रजिस्टर्ड नौशहरा कक्के जैया के जेर एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में इंसदादे डेंगू मुहिम के हवाले से प्रोग्राम का अहतमाम किया गया जिसमें स्कूल के तालबा और टीचर्स में डेंगू बचाव के हवाले से पंपलेट तकसीम किए गए जिन पर एहतियाती तदाबीर दर्ज थी। प्रोग्राम में सोशल वेलफेयर ऑफिसर पसरूर सिद्रा सुल्ताना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीड पसरूर अरशद खान सुलहरी, मीडिया डायरेक्टर रीड पसरूर अवैस राजपूत, प्रिंसिपल और महकमा सेहत के नुमाइंदों ने खताब किया और डेंगू से बचाव के बारे में आगाही दी। आखिर पर डेंगू वॉक की गई जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अफराद स्कूल टीचर्स और तलबा ने शिरकत की। थरपारकर में तबाह कारियों के बाद माकड़ का बदीन के साहली इलाकों की तरफ रुख, बड़ी तादाद में माकड़ बदीन के साहली इलाकों में पहुंच गए। काश्तकारों को माशी नुकसान का अंदेशा, सिंध हुकूमत ने अभी तक स्प्रे नहीं कराया। किसानों का कहना है कि हुकूमत ज़रा जल्द से जल्द स्प्रे करवा कर हमारी फसलों को बचाए। खेल इंसानी जिस्म की नशोनुमा के साथ साथ जज्बा मुसाबकत के उभारने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। नौजवानों के जहनों को आलूदगियों से बचाने के लिए वजीर आजम इमरान खान की हर सतह पर खेल के मैदान आबाद करने की पॉलिसी काबिल तहसीन है। ये बात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तालीम रियाज भट्टी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल भेरा में वजीर आजम मेगा स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत तहसील सतह पर होने वाले मुकाबला जात की इफ्तिताही तकरीब से खताब करते हुए कही। इनका मजीद कहना था कि खेलों के मैदानों की बहाली से नौजवानों को तफरीही सहूलियात में असर आएंगी और वो मुआशरती बुराइयों से भी दूर रहेंगे। थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, मुकीम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। असला और मंशियात बरामद, गिरफ्तार मुलजमान में अली रजा जावेद और अजीम शामिल थे। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।